वेलकम गाइस, आज हम लोगों ने बहुत सारी दुकान लगाई हुई है जो देख के आपको बहुत मजा आने वाला है। ये बिल्ट जो है अपना मिला है आसाम से, शिव सागर से। शिवगढ़ तो लखनऊ में, ये डिस्ट्रिक्ट शिव सागर है। पिन कोड इनका है 785640, स्टेट आसाम। इनका नाम है संजय शाह। इनकी मेन रिक्वायरमेंट क्या थी, सर कुछ ऐसा रखिएगा कि गेमिंग करते समय मजा आ जाए। 3 फैन का कम से कम ग्राफिक कार्ड रखिएगा और माउस कीबोर्ड सब कुछ एक कॉम्बिनेशन में बना दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा इनको पसंदीदा कैबिनेट कौन सी थी, ये अपनी कैबिनेट है सर्किल की ZX1। इसमें 3 फैन फ्रंट पे, 1 बैक साइड में, 4 फैन मिल जाते हैं। इस टाइम ये सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कैबिनेटों में काउंट भी हो रही है। अभी एक बंदे ने ऑर्डर किया, उसने उत्तरांचल से ऑर्डर किया, एक ने पंजाब में मांगा हुआ है और ये तीसरी आसाम जा रही है। तो इससे पता लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही मांग में आ गई ये सर्किल ZX1। और ये चूंकि अगर माना जाए तो ये किसकी कॉपी कही जाएगी, NZST की कॉपी कह सकते हैं। उसकी सबसे ज़्यादा कॉपी की भी जाती है और बिकती भी खूब है। NZST खुद अपना बिजनेस जो है मिनिमम करता है, लेकिन उसकी कॉपी जो है ज़्यादा बिजनेस कर जाती हैं, ये खासियत है। चलिए इसको तो कर देते हैं किनारे, अब आ जाते हैं कि इनके प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या है। इन्होंने अपने जैसे RGB फ्यूजन्स को कायम रखने के लिए इन्होंने क्या किया कि कीबोर्ड रखिएगा मेरा जो है VP सीरीज का है, V500 Pro। ये मैकेनिकल RGB कीबोर्ड है, रापो सीरीज का है। आपको बताऊं, लॉजिटेक एक कंपनी है जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो आज के टाइम पे। इस कंपनी का अपना खुद का R&D सेल्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वैसे रापो एक ऐसी कंपनी है जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना खुद का है। मार्केट में अवेलेबल 90% कंपनियों के पास R&D सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन रापो लॉजिटेक एक इस तरीके की कंपनी है जिनके अपने खुद के R&D सेल्स हैं। इसलिए ये जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो औरों से काफी बेटर बनाएंगे। बात चाहे आप रेडगियर के कर लीजिए या और क्वांटम, HP जिनकी भी बात कर लीजिए, सब दूसरे से लेके मेक इन इंडिया और इंस्टॉल करा के अपने चेपी लगा के बेच देते हैं। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ 2 ही कंपनियों के पास है, एक लॉजिटेक और एक रापो। और कंपनियां इस तरीके से लेती है जैसे थर्ड पार्टी से उन्होंने लिया, उसके बाद उस पर मैन्युफैक्चरिंग टैग की अपनी जो भी नाम से रहेंगी और उनको सेल आउट कर रहा। प्रॉब्लम उसमें भी कोई नहीं है, आप सेल करते हैं ठीक है, लेकिन इनकी जो खासियत है, इनकी खासियत बस ये है, ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो ये उनसे थोड़े और बेटर रहेंगे। बुराई उनमें भी नहीं है, बहुत सारी कंपनी है जो मॉनिटर्स बनाती हैं, उनकी खुद की अपनी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन वो क्या करती हैं, TPV टेक्नोलॉजीज या इसी तरीके से और कंपनी जिनके खुद के ब्रांड नहीं बिक पाते हैं। AOC एक कंपनी है, आप जानते होंगे AOC के मॉनिटर बहुत अच्छे हैं। उसका OEM कौन है, TPV टेक्नोलॉजीज, वो फिलिप्स और AOC दोनों का OEM है, तो वो बना के देता है। AOC खुद सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन फिलिप्स उससे ज़्यादा सक्सेस है और TPV टेक्नोलॉजीज को कोई नहीं जानता। तो इस तरीके से बैकग्राउंड में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही होती हैं, फ्रंट पे आपको मैन्युफैक्चर करके देती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अंदर की हैं, इन पर बहुत ज़्यादा जाने का मतलब नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बताया कि इनके R&D सेल्स हैं, इसलिए ये वर्किंग के अकॉर्डिंग बेटर होते हैं। इनसे आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि औरों से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। इसके लिए बस इतनी कहानी काफ़ी है। इसमें माउस जो था, इसने G203 लिया। लॉजिटेक का G103 आता था, 102 आता था, उसके अंदर क्लिकिंग के बहुत सारे ऑप्शंस दिक्कत दे रहे थे। लोगों को 1 साल के अंदर ही सर्विस में सबमिट करना होता था, तब लॉजिटेक ने उसको तुरंत हटाया, G203 को लॉन्च किया। और ये 8000 DPI पे माउस होता है, इसको इस सिस्टम के साथ इंक्लूड किया जा रहा, क्योंकि अगर हैवी गेमिंग की जाए तो मैकेनिकल विथ ब्लू स्विचेस विथ RGB फ्यूजन्स ये मिल जाए, साथ में 8000 DPI का माउस मिल जाए। आज हम लोगों ने उल्टे ढंग से स्टार्ट किया है। कीबोर्ड माउस जिसको हम लोग लास्ट में एकदम सांस छोड़ते हुए पकड़ते थे कि अब बस खत्म, उसको आज स्टार्टिंग में हम लोगों ने डाल लिया है और फिर और उल्टा चलते हैं। पावर सप्लाई 650 वाट है। इसमें हम लोग ग्राफिक कार्ड जो यूज करेंगे वो 4060 यूज करेंगे। 4060 के लिए रिकमेंडेशन जो है वो 550 वाट की रहती है, लेकिन हम लोगों ने 650 वाट को इसमें इंक्लूड किया। 650 वाट को इंक्लूड करने का मेन रीजन ये रहा है, थोड़ी सी पावर सप्लाई ज्यादा रख लो, बजट अगर अलाउड कर रहा है। इन्होंने बजट अपना जो दिया था वो करीब 1 लाख का दिया है। थोड़े से ऊपर जाएंगे इंक्लूड करने के बाद, लास्ट में कीबोर्ड माउस भी इंक्लूड कर लिया, उसके पहले ये 97,350 रुपये में इनका सिस्टम बिल्ट हो रहा था, बाद में इन्होंने कीबोर्ड माउस को भी इंक्लूड कर दिया, तो दोनों मिला के 3400 और इंक्लूड हो जाएगा। तो उसके बाद ये करीब 1,700,000 रुपये की रेंज में पहुंच जाएगा। मदरबोर्ड जो इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो B760 DS3H AX है,
क्योंकि प्रोसेसर को बहुत हाई परफॉर्मेंस नहीं लिया गया, के सीरीज का मतलब नहीं लिया गया क्योंकि अभी ये इनिशियल यूजर्स थे, इनको ओवरक्लॉकिंग नहीं आती थी। आगे पॉसिबिलिटी रही कर सके तो फिर उस टाइम मदरबोर्ड प्रोसेसर पे चेंजेस के इनके पास ऑप्शन खुले। अभी मेनली जिन गेमों के अकॉर्डिंग इन्होंने सिलेक्शन किया है उन पे इनके सारे गेम जो डिपेंड रहेंगे वो ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड रहेंगे, इसलिए बोर्ड सीपीयू को एक अच्छी कंडीशन के साथ लेके चला गया है। B760 4 रैम स्लॉट के साथ, वाईफाई ब्लूटूथ के साथ और 2 M.2 NVMe के साथ इस बोर्ड को यूज़ करने का बस रीज़न यही रहेगा क्योंकि हम प्रोसेसर जो इनको दे रहे हैं वो 13500 दे रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ट्रेडिंग वाला आदमी है, ट्रेडिंग नहीं ज़रूरी है। 14 कोर की प्रोसेसिंग इसकी मेन इंपॉर्टेंस थी कि 14 कोर की प्रोसेसिंग आ जा रही, 4060 आ जा रहा RDP का, जिसमें कूडा कोर टेंसर कोर गेमिंग के अकॉर्डिंग परफेक्ट रहेंगे, इसलिए इसको ऐड किया जा रहा है। स्टोरेज में अगर हम आते हैं, स्टोरेज अपना WD की ब्लू NVMe है, SN580 5 ईयर वारंटी के साथ आ रही है, 4550 MB रिट्राइड स्पीड है। तो ये Gen 4 पे चली गई लेकिन अब ब्लैक की कंपटीशन में नहीं गई है। ब्लैक जो थी वहाँ पे आपकी 7000 और 7350 MB रिट्राइड स्पीड पे पहुँचती है, तो उसके कंपटीशन में नहीं है, लेकिन एक मिड रेंज के सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। अब इसमें जो सबसे क्रांतिकारी पार्ट यूज़ करने जा रहे हैं वो है 4060 तीन फैन का एडिशन है, और इसमें वर्जन कौन सा है, OC वर्जन है, और इसका मेन जो आ जाएगा गेमिंग OC मॉडल है, गेमिंग OC 8G तीन फैन एडिशन, 8GB DDR6। इसको हम लोग अपने इस बिल्ट में यूज़ करने जाएंगे। लुक वाइज बहुत सुंदर निकल के आना है, इसीलिए पूरी ब्लैक थीम को ही फॉलो किया जा रहा है। वाइट थीम पे जाने का मूड था लेकिन फिर गंदगी से बचने के लिए इन्होंने अपने को चेंज कर दिया है। यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं 16GB की सिंगल यूज़ करेंगे, DDR5 रैम है 16GB की, कोरचर की है 5200 MHz पे इसको हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। और चूंकि कैबिनेट में 360 लिक्विड कूलर लगने का ऑप्शन था तो पहले ये हो रहा था 240 का कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर लगा लिया जाए, लेकिन फिर ये हुआ कि पूरा अगर फैन और लिक्विड कूलर और सिस्टम पूरा ARGB फ्यूजन्स के साथ डिसाइड किया जा रहा, तो अगर वैसा ही बने तो ज़्यादा बेटर है। तो हम लोगों ने क्या किया, गैलेक्स के इस लिक्विड कूलर को इसमें ऐड कर लिया जो तीन फैन के एडिशन के साथ आ रहा है। इनको इस सिस्टम पे पूरा इंक्लूड करके इंस्टॉल करके फिट करके देखते हैं लास्ट में किस तरीके का लास्ट ऑप्शन आ रहा है और लुक कैसे निकल के आ रहा है। तीन फैन फ्रंट पे, तीन फैन अप साइड में, एक फैन ये, तो 7 फैन तो ऑलरेडी हम लोगों को मिल जाएंगे और 3 फैन का ही ग्राफिक कार्ड, तो वेंटिलेशन तो काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। और काफ़ी दूर का मामला है, आसाम में बरसात ज़्यादा होती है, गर्मी कम पड़ती है, उस हिसाब से इतना हीटिंग का भी कोई इशू नहीं है। तो अभी इसको बस एक ही काम करते हैं, फटाफट रेडी करते हैं और आज के दिन में ही ट्राई करते हैं कि इसको भी डिस्पैच कर सकें, क्योंकि जो 2 दिन का अब्सेंट हुआ है उसको जल्दी जल्दी रिकवर करना है। सॉरी, थोड़ी सी गले में खराश हो गई, कोल्ड ड्रिंक अभी पी ली थी उसकी वजह से। अभी फटाफट इसको रेडी करते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। गाइस, रिटर्निंग हो चुकी है, जो संजय शाह जी का बिल्ट रेडी किया जा रहा था आसाम से वो अब आपके सामने है। डिफेंडर ZX1 सीरीज जो थी इसमें हम लोगों ने अभी तक वाइट बिल्ट किए थे जिसके अंदर 4 फैन इंक्लूड होते थे, इसके अंदर ये ब्लैक एडिशन यूज़ किया गया है और 3 फैन लिक्विड कूलर के यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, 3 इस तरफ और 1 साइड में। इस तरीके से टोटल आपके पास जो है 7 फैन का कॉम्बिनेशन मिल जाता है डिफेंडर X1 के साथ में। इसमें 2 SSD भी लगने का बैक साइड में ऑप्शन होता है, SATA SSD और M.2 NVMe, तो मदरबोर्ड पे 2 लगने का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। अपर साइड में अगर हम आके देख लेते हैं, यहाँ पे रिस्टार्ट का बटन आपको मिल रहा है, Type-C मिल रही है, LED चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, USB 3.0 है और साथ में अपना पावर का स्विच है। लुक वाइज आपके सामने ये पूरी तरीके से आ चुका है और 4060 जो इसके अंदर ये ग्राफिक कार्ड इंक्लूड किया गया है 3 फैन का एडिशन, साथ में यहाँ पे GB में जो RGB दी गई गेमिंग OC एडिशन में, ये इनके ईगल वाली सीरीजों में नहीं मिलती है। इस वजह से कूलिंग भी अगर देखें तो पूरी तरीके से प्रॉपर है। कूलर मास्टर का इसमें 240 का लिक्विड कूलर यूज़ करना चाह रहे थे लेकिन ये हुआ 13500 प्रोसेसर है, 240 लिक्विड कूलर चल जाएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से गैलेक्स का 360 लिक्विड कूलर ऐड कर लिया गया है, जिससे अब ये पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ हो गया है और सिमेट्री दिख रही है। इस वजह से 360 लिक्विड कूलर को ऐड किया गया और दूसरा ऑप्शन ये था कि 360 लिक्विड कूलर को ऐड करने पे वैल्यू नहीं इंक्रीज हुई,
वो कूलर मास्टर के बराबर ही गैलेक्सी का 360 लिक्विड कूलर रहा, इस वजह से इसको ऐड कर लिया गया। इसमें हम लोगों ने 650 वाट SMPS 360 लिक्विड कूलर, WD की ब्लू 1TB NVMe, 16GB DDR5 RAM और RTX 4060 तीन फैन एडिशन, इन सभी को मिलाने के बाद और साथ में एक मैकेनिकल कीबोर्ड और माउस, इन सभी चीज़ों को मिला लें तो इसकी टोटल वैल्यू करीब 1,07,700 रुपए पहुंचेगी, पूरी विथ फ्रेट चार्ज वगैरह सब इंक्लूड करके। अब इनका एड्रेस बता देता हूँ, मोटा मोटा समझिएगा, पिन कोड 785640 है, स्टेट आसाम हो गया, इनका डिस्ट्रिक्ट जो है शिव सागर है। ये सारी इनकी बेसिक चीजें आप जान लीजिए कि कहाँ पे ये जा रहा है, डिस्टेंस बहुत अच्छी खासी है। आज रात के 8 बज चुके हैं, अब इसका मूवमेंट नहीं हो सकता, इसको कल ही हम मूवमेंट पे करेंगे और कोरियर पैकेजिंग का काम भी कल ही होगा। आज के लिए गाइस बस इतना ही। वर्किंग के अकॉर्डिंग ब्लैक लुक पे 360 लिक्विड कूलर को यूज करते हुए, 4060 ग्राफिक कार्ड को यूज करते हुए, बजट वाइज ये बिल्ट आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। हम लोग नए नए तरीके के और अच्छे से अच्छे बिल्ट कम से कम बजट में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अच्छे से अच्छा बिल्ट कम से कम बजट में नहीं पॉसिबल है, तो अच्छे से अच्छे बिल्ट को देने की कोशिश करेंगे आपके वर्क के अकॉर्डिंग और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। आज के लिए बस इतना ही।